नमस्कार मित्रों, आज कई महीनों बाद आप लोगों से मिला हूँ। तो आज जो इस विषय को लेकर के मैं आप सबों के सामने आया हूँ, अभी रिसेंटली झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने एक नीतिगत फैसले के तहत राज्य में ओबीसी कैटेगरी को 27% रिजर्वेशन देने की घोषणा की है। एक पॉलिसी डिसीजन है और इसका स्वागत होना चाहिए, क्योंकि अखिल भारतीय स्तर पर भी अगर हम देखें तो जो ओबीसी कैटेगरी है, जनसंख्या के दृष्टिकोण से भी ये सबसे बड़ी कैटेगरी है, तो इन्हें 27% आरक्षण केंद्र में भी मिलता है और राज्य ने भी इस चीज़ की घोषणा की, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये स्वागत योग्य फैसला है। परंतु जहाँ दिक्कत आने की संभावना है, जो मुझे दिख रहा है, अभी लोग शुरुआती दौर है क्योंकि, और सारे जो किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या कुछ आधार बनाया गया है, क्या कुछ इसमें डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी, इन चीज़ों को अभी शायद पूरा डिटेल्ड नहीं आया है, इस वजह से लोग अभी नहीं बोल रहे हैं। लेकिन जो मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ज़रूर लोग इस पर बोलेंगे। तो जो एक मुझे लग रहा है, जो आधार अभी शुरुआती दौर में जो बातें निकल के आ रही हैं कि ओबीसी कैटेगरी को राज्य में 27% आरक्षण दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए जो आधार दोस्तों तय किया गया है, जो आधार चुना गया है, उसमें ये कहा गया है कि 1932 के जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं, खतियान जिसे कहा जाता है, लोकल भाषा में भी खतियान कहते हैं, तो ये एक्चुअली खतियान दोस्तों एक लैंड रिकॉर्ड का डिटेल होता है, ठीक है, जिसमें कि पता पड़ता है कि आपके पूर्वजों के नाम से, यानी दादा परदादा के नाम से, आपकी पीढ़ी में पीछे किसी और ने जो इस राज्य में या इस जगह पे ज़मीन खरीदी हो, और सर्वे में उनका नाम रहता है। जब आप लैंड के बारे में, रिकॉर्ड्स के बारे में जानना शुरू करेंगे, तो दोस्तों मैं इसमें ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है, बहुत ही पेचीदा मामला होता है। और अगर आप कोर्ट भी जाएंगे, या ज़िला में जो SP हैं, या जो DCLR हैं, जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट हैं, या जो ब्लॉक में जो अधिकारी हैं, आप उनसे भी बात करेंगे, CO हैं, तो दोस्तों ये लैंड रिकॉर्ड का हमारे यहाँ हिंदुस्तान में इस तरह से उसको मेंटेन किया गया या नहीं किया गया, कह लीजिए ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा, तो काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हैं। और बहुत से लोगों को, और ख़ासतौर से आज की पीढ़ी को, तो मुझे लगता है कि बहुत कम इस बात की जानकारी है कि किस तरह से ज़मीन खरीदे गए, बेचे गए, और कौन सी ज़मीन किस प्रकार की है, टाइप क्या है, उनको कैसे अक्वायर किया गया है, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह क्या क्या हुई हैं, क्या क्या नहीं हुई हैं। तो 1932 के लैंड रिकॉर्ड्स को आधार बनाया गया है आज के पीढ़ी के लिए, और आने वाले जनरेशन्स के लिए, या आने वाली पीढ़ियों के लिए उसको आधार बनाया गया है कि उससे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन झारखंड के, इस राज्य के मूल निवासी रहे हैं और नहीं रहे हैं। दोस्तों मैं ये कहना चाहता हूँ, दिस इज़ डीपली प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि यही तर्क, यही आधार बनाया गया जब NRCCA में भी यही चीज़ें हैं। जब असम में NRC हुआ और वहाँ पे लोगों को ये कहा गया कि आप साबित करिए कि आप यहाँ के मूल निवासी हैं, दोस्तों इसमें अमीरी गरीबी का भी एक चक्कर होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास ज़मीन अपने पूर्वजों के नाम से या इस तरह से नहीं होते हैं, लेकिन वो टेनेंट के तौर पे या कई दूसरे तरीके फॉर्म्स से वो रह रहे होते हैं उस राज्य में, कई दशकों से, सदियों से रह रहे होते हैं, कोई ज़रूरी नहीं। और उसमें भी ये है कि लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट नहीं है, कोई रह भी रहा है अगर, मूल निवासी भी है, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उसके सारे लैंड रिकॉर्ड्स अप टू डेट होंगे और वो प्रूव कर पाएगा, अपनी वंशावली दे पाएगा, जस्टिफाई कर पाएगा कि हाँ ये लैंड रिकॉर्ड है, ये कागज़ हमारे पास है, ये डॉक्यूमेंटेशन है। तो जो डॉक्यूमेंटेशन को लेकर के अभी इन्होंने आधार, जो शुरुआती दौर में, मैं ये बार बार कह रहा हूँ, शुरुआती दौर में जो चीज़ें निकल के आ रही हैं, अभी लोग नहीं बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे इसके डिटेल सामने आएंगे, तो इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, क्या डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो यही चीज़ अगर अमित शाह ने NRCCA में बोल दिया कि आपको मूल निवासी हैं या नहीं है, ये साबित करने के लिए आपको कोई, आपके पास ज़मीन का पट्टा, कोई डॉक्यूमेंट, कोई कागज़ बाप दादा पूर्वजों के नाम से होना चाहिए, तो वहाँ ये चीज़ प्रॉब्लमेटिक हो गई। और यहाँ आप कह रहे के लिए नहीं, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर विचारधारा के तौर पर या राजनीतिक समर्थन के तौर पर हम किसी विचारधारा या पार्टी का समर्थन करते भी हैं, तो वो दूसरी बात है, लेकिन नीतिगत फैसलों में जहाँ जिन चीज़ों को जैसे रखा जाएगा, हम उसी ऑब्जेक्टिविटी, तार्किकता के साथ उसको देखेंगे, और सही को सही और गलत को गलत कहने की क्षमता हम में होनी चाहिए। यही चीज़, यही ज़मीन का पट्टा, लैंड रिकॉर्ड को जब NRC में अमित शाह कहते हैं कि हम इम्प्लीमेंट कर देंगे, तब आपको परेशानी होने लगती है। तो आप कह लीजिए कि ओबीसी को आइडेंटिफाई करने में, ओबीसी को, मैं बार बार कह रहा हूं, ओबीसी को आइडेंटिफाई करने में एक तरीके से ये NRC जैसा ही हो जाएगा झारखंड में,
तो अभी लोग नहीं बोल रहे हैं, और जैसे जैसे चीज़ें तथ्य सामने आएंगे इसके बाद हो सकता है मैं एक फॉलोअप वीडियो फिर बना दूँ डिटेल्ड, लेकिन अभी शुरुआती तौर पर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगर इसको, अगर मैं फिर कह रहा हूँ, इफ़ झारखंड गवर्नमेंट ने इसको आधार बनाया है कि 1932 के लैंड सर्वे और रिकॉर्ड्स को हम आधार मानेंगे मूल निवासी की पहचान करने के लिए, तो दोस्तों दिस इज़ डीपली प्रॉब्लमेटिक, इससे दिक्कत आएगी ही आएगी, और भले लोग अभी नहीं बोल रहे हैं आगे लोग बोलेंगे, और जैसे जैसे तथ्य हमारे सामने आएंगे हो सकता है मैं एक फॉलोअप वीडियो फिर बना दूँ। थैंक यू।